सो गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज जसदुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फोर्थ फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसका कोड है आपका EB5312। आज इसमें हम एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वॉट मोर्टार एंड वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग एक कंस्ट्रक्शन के अंदर में आ जाएगा और मोर्टार आपका बिल्डिंग मटेरियल्स में आ जाएगा, ठीक है, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स। तो मोर्टार क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो मोर्टार जो होता है आपका एक सैंड और सीमेंट और वाटर का एक मिक्सचर होता है, एक तरह का पेस्ट होता है। ये पेस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, ये पेस्ट हमारे मशीनरी वर्क्स में यूज किया जाता है। आमतौर पर आप जब देखते होगे हमारे अपने घर घर में, या फिर कोई घर बनता होगा, जब किसी भी वॉल की कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो दो जब वो वॉल बनाया जाता है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, आपका आपका ब्रिक्स यूज किया जाता है, ईंटें यूज की जाती है। और इन ईंटें से जो वॉल बनता है और इन ईंटों को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक पेस्ट यूज किया जाता है। वो पेस्ट कुछ इस तरह से आपको दिखता है, आपके पिक्चर्स में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये कहलाता है आपका मोर्टार। और ये जो मोर्टार होता है, मिक्सर होता है, किसका किसका मिक्सर होता है, सैंड का मिक्सर होता है। सैंड कुछ भी हो सकता है, रिवर सैंड हो सकता है, एम सैंड हो सकता है, सैंड्स के अलावा सीमेंट्स यूज होता है, ठीक है, या फिर कोई और भी अगर बाइंडिंग मटेरियल्स होगा, जैसे हमारे पास लाइम है, सुरखी है, गौज है, तो या जिप्सम है, या ठीक है, तो ये बाइंडिंग मटेरियल्स हुए। और साथ हम इसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करके इनका एक मिक्सचर तैयार करते हैं। और ये मिक्सचर जो होता है, जो पेस्ट बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोर्टार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पिक्चर से तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा उम्मीद है आपसे। तो देखो डेफिनेशन क्या पार्ट बोलता है, डेफिनेशन ये बोलता है मोर्टार इज ए मिक्सर। किसका मिक्सर, क्या बोल रहा है, मिक्सर है। किसका मिक्सर है, सैंड का, किसी बाइंडिंग एजेंट्स का। अब ये बाइंडिंग एजेंट क्या हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, इसके अलावा जिप्सम हो सकते हैं, या फिर आपका सुरखी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं। और साथ ही साथ जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है एक रिक्वायर्ड प्रपोर्शंस में, मतलब कि जो भी इसकी प्रपोर्शन होगी, जो भी प्रपोर्शन का रिक्वायरमेंट होगा, हम उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। और जो पेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, पेस्ट, उस पेस्ट को हम क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। और ये पेस्ट जो है, आप जब सेट हो जाता है तो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है, हार्ड हो जाता है, ठीक। तो ये तो था आपका एक डेफिनेशन पार्ट, ठीक। अब मोर्टार का यूज क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, वॉल कंस्ट्रक्शन करना है, दो ब्लॉक्स को जोड़ना है, तो हम क्या यूज करते हैं, इस मोर्टार्स को यूज करते हैं, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अगर कंक्रीट से, अगर मैं कंक्रीट में से भी अगर क्या निकाल दूं, एक कोर्स एग्रीगेट्स को निकाल दूं, गिट्टी को बाहर निकाल दूं, तो वो भी क्या बन जाएगा, एक तरह का मोर्टार ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, मोर्टार इज अ मटेरियल, मोर्टार इज अ मटेरियल यूज्ड इन अ मशीनरी कंस्ट्रक्शन। अब मशीनरी या तो आपका ब्रिक मशीनरी हो सकता है, या फिर स्टोन मशीनरी हो सकता है। तो आमतौर पर हम ब्रिक मशीनरी आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। ब्रिक्स मतलब कि ब्रिक्स को जोड़ करके जो वॉल कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रिक मशीनरी। और हिंदी में क्या बोलते हैं, मशीनरी को चिनाई, ठीक है। तो क्या बोल रहे, मोर्टार इज ए मटेरियल यूज्ड इन मशीनरी कंस्ट्रक्शन। क्यों करते हैं, ताकि ये गैप्स को फिल हो जाए, फिल दी गैप्स बिटवीन किसके बीच में, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स या फिर जो भी ब्लॉक्स होगा हमारे पास, ठीक है। कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है। ये मोर्टार क्या करते हैं, ब्रिक्स को बॉन्ड करके रखते हैं अच्छे से। इससे क्या होती है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिलती है किसके, हमारे वॉल्स को। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं आमतौर पर नॉर्मल ईटे की बस वॉल बना दूँ, ऐसे ही रख प्लेस कर करके, तो ये आप एक लात मारोगे तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो दूसरी क्या, इसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है, ठीक है। बट आप ये इसी इसी आप बॉन्डिंग एजेंट के रूप में आप क्या यूज करो, मोर्टार आप लोग यूज कर दो इनके बीच में, गैप्स में। कौन कौन से गैप्स में, ये गैप्स दिख रहा है आपको, यहाँ आप यूज कर दो, यहाँ आप इसको यूज करो, ताकि ये क्या सके, अच्छे से बॉन्ड बन जाए और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अपने घर के वॉल्स को देख लो, आप उसको कितने भी आप टच कर लो, उसको धकेल दो, वो नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि तो उसमें अपनी मोर्टार यूज किया, जिससे उसकी क्या हो गई, उसकी बॉन्ड बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि भाई ये सैंड बनता कैसे है,
ये सैंड बनता कैसे, ये सैंड जैसे कि मैं ये सॉरी ये सैंड बोलता हूँ, ये मोर्टार बनता कैसे है, मोर्टार ये बनता कैसे, सबसे पहले हम इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। मोर्टार बनता है जैसे कि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि किससे बनता है, सैंड से बनता है, और किससे बनता है, कुछ बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट एग्जाम्पल के तौर पर मैं सीमेंट ले लेता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी हमको मोर्टार तैयार करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं। बैचिंग में क्या करते हैं, हमको कितना अमाउंट ऑफ सैंड यूज करना है, कितना अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज करना है, सबसे पहले हम ये प्रपोर्शन कर लेते हैं। एंड देन क्या करते हैं, एक साफ सुथरी जगह में या किसी ट्रे में हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं दोनों मटेरियल्स को, और क्या करते हैं थोरोली अच्छे से इसको क्या करते हैं, मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, और तब तक मिक्स करते हैं जब तक इसमें कोई यूनिफॉर्म कलर ना आ जाए, मतलब कि जो भी कलर होता है ये कलर तक एक समान ना दिखने लग जाए, तब तक इसको मिक्स करना अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वाटर, और जैसा हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, जैसे कि आप कोई डैम्प एरिया में करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एसिड एसिड अटैक हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ सल्फर अटैक्स, या फिर एन नंबर ऑफ टाइप्स के अटैक्स हो सकते हैं। सनलाइट से बचाना है आपको, घर के अंदर को वातावरण को कूल करके रखना है, या फिर आपको उसकी प्योरिटी बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्लास्टिसाइजर्स भी यूज कर सकते हैं, और इसको क्या करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक यूनिफॉर्म पेस्ट, एक होमोजेनियस पेस्ट फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, आपका एक मोर्टार बन गया, और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि वाटर ज्यादा भी ना ऐड हो और वाटर कम भी ना ऐड हो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, वो भी आगे हम देखेंगे। अब फंक्शन क्या है, यहाँ पे हम इसके ऊपर हम बात करेंगे, फंक्शन ऑफ द मोर्टार्स की। पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे यूज हो रहा है, दो ईंटों को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बाइंड टूगेदर द ब्रिक्स और स्टोन्स प्रॉपरली सो एज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड, क्या बोल रहा है ये, बाइंडिंग एजेंट का, बाइंडिंग का काम कर रहा है, किसको बाइंडिंग का काम कर रहा है, ब्रिक्स और स्टोन्स को, इससे क्या उनको मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है किसके, हमारे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, देखो टू फॉर्म होमोजीनियस मास ऑफ द स्ट्रक्चर सो एज टू रेजिस्ट ऑल द लोड्स कमिंग ओवर इट विदाउट एनी डिसइंटीग्रेशन। अगर आपका जो पेस्ट है मोर्टार है, अगर वो यूनिफॉर्म होमोजीनियस नहीं होगा तो होगा क्या, जब कभी आप इसको यूज करोगे तो क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर्स तैयार होगा उसके ऊपर अगर कभी भी लोड आया तो हो सकता है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए बिकॉज ऑफ नॉन होमोजीनियस ऑफ द पेस्ट, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर्स होगा वो कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस होगा, ठीक है, तो वो फेल हो सकता है कभी भी लोड आने पर उसके ऊपर। और क्या कर रहा है, देखो मोर्टार को क्या कर रहा है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है किसके अगेंस्ट, जो भी एटमोस्फेरिक एसिड अटैक हो सकता है, सनलाइट का अटैक हो सकता है, ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइप्स का अटैक हो सकते हैं उनसे क्या करता है, या फिर कभी बारिश हो सकता है, ठीक है, हवा पानी आ सकता है, तो उससे क्या करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बारिश होगा तो क्या होगा, हमारे सरफेस के ऊपर गिरेगा, सरफेस से क्या होगा, वो पेनिट्रेट होकर अंदर आ सकता है, उससे क्या डेवलप हो सकता है, अंदर में सीपेज हो सकता है, और अंदर का पूरा इंटीरियर वर्क आपका खराब भी हो सकता है, पेंट खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टर वर्क क्या करता है, ये वाटर को पेनिट्रेट होने से रोक करके रखता है और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एसिड रेसिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे, देखो लास्ट पॉइंट, टू होल्ड कोर्स एग्रीगेट इन एनी कॉन्क्रीट सो एज टू फॉर्म ए सॉलिड मास, सॉलिड मास द मोर्टार, एक सेकंड, द मोर्टार यूजिंग कॉन्क्रीट स्टमलेस मैट्रिक्स। तो इस पॉइंट्स का मतलब समझो, देखो क्या बोल रहा है, आपका जो कॉन्क्रीट तैयार होता है, कॉन्क्रीट में क्या क्या होते हैं, आपके सैंड्स होते हैं, सीमेंट्स होते हैं, और क्या होते हैं, एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं। अगर मैं कॉन्क्रीट में से क्या करूँ, कोर्स एग्रीगेट्स को निकाल दूँ, तो जो हमारे पास मटेरियल्स बचता है, क्या क्या बचा, सैंड्स बचा और सैंड्स बचा और सीमेंट्स बचा, ये क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। और कॉन्क्रीट्स में ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है हमारे सॉलिड मास को, कौन, ये मोर्टार, ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है आपके कोर्स एग्रीगेट्स को, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट्स में क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो नहीं होती, बट बाइंडिंग के रूप में और प्लस उस वाइड्स को फिल करने के लिए कौन काम आ रहा है, आपका ये मोटारी काम आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, देखो पॉइंटिंग एंड प्लास्टिंग वर्क्स में इसको यूज किया जाता है, आमतौर पर आपने पॉइंटिंग्स तो नहीं सुना होगा बट प्लास्टिंग वर्क जरूर सुना होगा, हमारे घर पे होता है, ठीक है। जब कभी भी नया वॉल तैयार किया जाता है, वॉल तैयार करने के बाद उसके लुक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर प्लास्टिक वर्क करते हैं। प्लास्टिक वर्क करने से क्या होता है, आपका परमिबिलिटी बढ़ जाए, जो कि वाटर सीपेज होना है वो सीपेज होने से रोकेगा, सनलाइट के अटैक्स को रोकेगा, ठीक है, अंदर वार्म रखेगा हमारे घर उसको, ठीक है, और क्या करेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा इस, ठीक है, लॉन्ग लाइफ इसकी बढ़ा देगा, किसके, हमारे वॉल्स की, ठीक है।
और ये जो प्लास्टरिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर वर्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्लास्टरिंग तो एक प्रोसेस हो गया मोर्टार को अप्लाई करना किसके ऊपर, हमारे वॉल्स के ऊपर, और ये वर्क क्या कहलाता है, प्लास्टर वर्क कहलाता है। ठीक है, जो कि आगे हम आके पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स में डिटेल्स में। नेक्स्ट स्टेप का देखो क्या बोल रहा है, टू फिल द एम्प्टी जॉइंट्स। ऑब्वियसली दो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में क्या होगा, जॉइंट्स आपके वो गैप्स होंगे, इन गैप्स को भी ये फिल करेगा। ठीक है, अब इस गैप्स को फिल करने के लिए या फिर गैप्स को फिल करने के लिए भी या फिर क्रैक्स वैक्स को भी फिल करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है ग्राउटिंग्स। जनरली जब हमारा आमतौर पर हम ग्राउटिंग्स, मैंने जब आपको कॉन्क्रीट्स पढ़ा था तब भी मैंने बताया था, जब कभी भी हमारा कोई डैम्स वैम्स होता है या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर उसमें क्रैक्स वैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, ग्राउटिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, ग्राउटिंग्स में क्या होता है, हमारे पास एक पंप होता है। ठीक है, एक पंप होता है, इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारा मटेरियल होता है चाहे वो मोर्टार हो चाहे कॉन्क्रीट हो, उसमें फिल कर दिया जाता है और एक पाइप को यहाँ से निकाला जाता है बाहर। और इस पाइप में क्या होता है, ये कॉन्क्रीट जो उसके अंदर फिल है, प्रेशर पंप्स के थ्रू इसको क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, प्रेशराइज करके भेजा जाता है, और जिस भी सरफेस पे हमको अप्लाई करना है उसको प्रेशर के थ्रू अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ग्राउटिंग टेक्निक। ग्राउटिंग बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्रैक्स अगर आपको रिपेयर करना है तो वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे ग्राउटिंग मटेरियल्स यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, किसके, हमारे मोटार्स के। एक अच्छे मोटार की क्या क्या विशेषताएं होती है, पहली बात तो जो भी हम मोटार यूज कर रहे हैं वो कैसा हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरा एक अच्छे उसके बीच में जो भी बॉन्ड्स हो कैसा हो, अच्छा वो बॉन्ड हो। ठीक है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे किसी भी वेदरिंग वेदरिंग के अगेंस्ट। मोबिलिटी अच्छी हो, अगर मोबिलिटी अच्छी होगी तो क्या होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, मोबिलिटी मतलब कि क्या, अगर आप वाटर ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो फ्लो होने लग जाएगा बहुत ही ज़्यादा, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे, प्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर वाटर कम भी कर देंगे तो भी आप उसको प्लेस नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, वो जल्दी सूख जाएगा। तो वाटर का सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे वाटर सीमेंट रेशियो का हमारे मोबिलिटी में। तो मोबिलिटी अच्छी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी, हैंडल आप अच्छा कर पाओगे। और कल को जब अगर मोबिलिटी अच्छी होगी तो जब कल को कॉन्क्रीट सॉरी जब आपका मोटार हार्ड होगा तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे, एक यूनिफॉर्म आपको सरफेस मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या, वाटर रिटेंशन क्या होता है, आमतौर पर जब आप कभी भी घर बनाते हो, वॉल तैयार करते हो, अगर प्लास्टिंग वर्क नहीं कराया और बारिश हुआ तो क्या होगा, यहाँ से वाटर अंदर सीपेज हो सकता है। बट यही चीज अगर आप प्लास्टिंग वर्क करा दोगे तो क्या होगा, ये वाटर पेनिट्रेट नहीं होगा, अंदर परमेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है वाटर रिटेंशन होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए आफ्टर द हार्डनेस ऑफ द मोटार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे नया टॉपिक है मोटार्स के ही अंदर में, क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटार। क्लासिफिकेशन मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, उनके बेसिस पे हमने क्या किया, क्लासीफाई किया किसको, हमारे मोटार्स को। इसमें पहला देखो आपका बल्क डेंसिटी, दूसरा आपका टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स, तीसरा आपका देखो नेचर ऑफ एप्लीकेशन, चौथा आपका क्या स्पेशल मोटार। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो मोर्टार क्या होता है, मोर्टार जैसा कि मैंने आपको बताया सैंड्स सीमेंट्स वाटर्स का मिक्सर क्या कहलाता है आपका मोर्टार, जो भी पेस्ट बनता है। अब ये मोर्टार हम इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कि मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं कोई 1 मीटर क्यूब का क्या कर रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब का कोई या फिर 1 मीटर क्यूब का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब तैयार कर रहा हूँ, और इस क्यूब में मैं क्या करता हूँ, उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आपका मोटार फिल कर दे रहा हूँ, और तब इसकी वेट लेता हूँ, और इसका वेट कितना निकल के आता है, अगर इसका वेट 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा निकल के आता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा मोटार है वो कैसा मोटार है, हैवी मोटार है। अब हैवी मोटार प्रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, जो कि तरह का टाइल्स के टुकड़े होते हैं है ना, और मार्बल के टुकड़े होते हैं, या फिर हम अदर सैंड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लाइट वेट मोटर। लाइट वेट मोटर मतलब कि क्या, अगर बल्क डेंसिटी लेस देन 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब निकल के आती है तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ लाइट वेट मोटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स हमारे पास एन नंबर ऑफ टाइप्स के बाइंडिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि लाइम, जैसे कि सीमेंट्स, जैसे कि सुर्खी, जैसे कि आपका गोस्ट,
ठीक है, ये सब क्या आपके बाइंडिंग मटेरियल्स है। तो जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं लाइम मटेरियल्स, ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं लाइम मटेरियल्स। ऑब्वियसली लाइम कुछ भी हो सकता है, आपका फैट लाइम भी हो सकता है और आपका हाइड्रोलिक लाइम भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो लाइम का जो प्रपोर्शन होता है, सॉरी इसमें जो लाइम जो मोर्टार बनाते हैं इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, आपका लाइम कर रहा है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं चूना, ठीक है, मोर्टार जो बन रहा है। तो ये मोर्टार हम यूज करते हैं कहाँ यूज करते हैं, ऐसे जगह जहाँ पे कोई वाटर लॉक्ड एरिया ना हो, मतलब कि जहाँ पे डैम वैम्प आता हो वहां तो यूज नहीं कर सकते, बट डैम लोकेशन के अलावा या वाटर लॉक्ड एरिया के अलावा हम इसको अदर जगह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइम मोर्टार सबसे पहले पढ़ते हैं। तो लाइम मोर्टार में जो लाइम का जो रेशियो होता है वो कितना होता है आपका, ये होता है लाइम मोर्टार का जो रेशियो होता है ये होता है आपका 1:2, ठीक है। इसमें वन क्या इम्पार्ट करता है आपका, वन इम्पार्ट करता है आपका लाइम को और टू इम्पार्ट क्या करता है आपके सैंड्स को, लाइम एंड सैंड्स, ठीक है। तो ये इसका प्रपोर्शन होता है और इस प्रपोर्शन में हमको ये मोर्टार को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये जो लाइम मोर्टार होता है, ठीक है, अनसुटेबल होता है वाटर लॉक्ड एरियाज के लिए, जैसे मैंने बताया, और डैम सिचुएशंस में इसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ये जो लाइम मोर्टार होता है इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है क्या होती है, हाई होती है, और इसको हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आफ्टर दिस सेट होने के बाद ये बहुत ही कम श्रिंकेज होता है, ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है सफिशेंट होती है और ये धीरे धीरे स्लो हार्ड होता है। तो ये से कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। जो आमतौर पर लाइम मोर्टार सबसे पहले के जमाने में बहुत ही ज्यादा यूज होता था, बट आज इसका लाइव एग्जांपल देख लो, लाइम मोर्टार्स का मीसा का पिरामिड देख लो, ठीक है, मिस्र का पिरामिड देख लो, जो वहां पे पिरामिड बने हुए उसमें आपका लाइम मोर्टार यूज किया गया है। लाइम मोर्टार के अलावा आप देख लो ताजमहल देख लो, आप ताजमहल भी देख लो, उसमें भी आपका लाइम मोर्टार यूज किया गया है। जो भी आप पुराने स्ट्रक्चर्स उठा के देख लो उसमें आपका लाइम मोर्टार यूज किया गया है। एज वी हैव डिस्कस्ड और वी हैव स्टडीड कि लाइम क्या है, सबसे पुराना बिल्डिंग मटेरियल्स है, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स था, ठीक है। सीमेंट्स तो अभी अभी 200 साल पहले ही आया है, तो इसलिए इसका ज्यादा हमको यूज अभी आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सीमेंट्स मोर्टार। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका सीमेंट्स मोर्टार। अब देखो सीमेंट मोर्टार कितने टाइप का होता है, देखो ये सबसे पहले समझ लो, सीमेंट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के सीमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट्स हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स का। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कोई भी ग्रेड्स हो सकता है, 43 का हो सकता है, 53 का हो सकता है, 33 का हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है सीमेंट मोर्टार का रेशियो होता है, ये रेशियो होता है 1:2 से लेकर के 1:6 तक। इसमें वन क्या इम्पार्ट कर रहा है आपका, वन आपका इम्पार्ट कर रहा है सीमेंट्स को, और टू क्या इम्पार्ट कर रहा है आपका सैंड्स को, और ये 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, 1:5 से लेकर के 1:6 तक अप टू, ठीक है। तो ये हो गया इसका मिक्स प्रपोर्शन। इसमें बाइंडिंग मटेरियल्स का काम कौन कर रहा है, सीमेंट्स कर रहा है, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो हायर इसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है ये सीमेंट मोर्टार, साथ में इसकी वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आमतौर पर हमारे घरों में या फिर कोई भी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये एक बिल्डिंग मटेरियल्स सीमेंट मोर्टार, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं समय बता, बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वैसे सीमेंट्स अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट लाइम हम नहीं यूज़ कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वो जल में घुलनशील होता था और जैसे ही आप उसको यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो घुल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सीमेंट मोर्टार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल मोर्टार्स की, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी मोर्टार्स हैं। अच्छा, मैंने सुर्खी मोर्टार आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, तो सुर्खी मोर्टार मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुर्खी आप सभी को पता है सुर्खी क्या होता है, सुर्खी क्या होता है, सुर्खी एक पाउडर होता है। कहाँ से बनता है ये, जब कभी भी हम ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, ब्रिक्स बनाते हैं तो ब्रिक्स कुछ कुछ ब्रिक्स क्या हो जाते हैं, अनब्रंट रह जाते हैं, मतलब कि कुछ ढंग से पक नहीं पाते हैं, और कुछ क्या जाते हैं, ओवर बर्नड हो जाते हैं, मतलब कि अधिक ज़्यादा पक जाते हैं। तो ऐसे ब्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और इन ब्रिक्स को हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो पाउडर है एज अ यूज करते हैं किस में, सैंड के रिस्प्लेसमेंट में, जहाँ पे भी सैंड्स को हम रिप्लेस करके हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस सुर्खी का यूज़ कर रहे हैं, और इस सुर्खी के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लाइम भी यूज़ कर लेते हैं,
और ये जो आपका मोर्टार बनता है इसको हम बोलते हैं सुरखी मोर्टार। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक वर्क्स में यूज कर सकते हैं, बट लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसका डिसइंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो आमतौर पर हम इसका यूज हमारे स्ट्रक्चर्स में बहुत कम करने को मिलता है, बहुत कम करते हैं, और हम इसको कह सकते हैं एक तरह का कि क्या ऑर्डिनरी मोर्टार भी है। ठीक है, हम इसमें फैट लाइम भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, सैंड के बदले में, सॉरी लाइम के बदले में। वो लाइम भी कितना टाइप का होता है, हाइड्रोलिक लाइम एंड फैट लाइम। ठीक है, तो ये था आपका सुरखी मोर्टार, सीमेंट मोर्टार एंड लाइम मोर्टार। इसके अलावा भी हमारे पास एक और होता है गॉस्ट मोर्टार। ठीक है, जब कभी भी हमको लाइम मोर्टार की क्वालिटी इंप्रूव करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, गॉस्ट यूज करते हैं, गॉस्ट मटेरियल्स। ठीक है, और गॉस्ट मटेरियल्स क्या होता है, गॉस्ट मटेरियल तरह का सीमेंटी होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है जो बनाना, ठीक है, गॉजिंग कहलाता है। इसका भी रेशियो क्या होता है, आपका प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:6 से लेकर के 1:8 तक होता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका देखो स्पेशल मोटार्स, मैं स्पेशल मोटार्स मैंने डिस्कस नहीं किया था। स्पेशल मोटार्स में पहला आपका देखो फायर रेसिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियसली फायर रेसिस्टेंस मतलब कि क्या, हमको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है किसके अगेंस्ट, फायर के रेसिस्ट, फायर के अगेंस्ट। इसका जो प्रोपोर्शन होता है लगभग कितना होता है आपका, 1:2 होता है। इसमें जो वन होता है ये क्या होता है, एक एल्यूमिन सीमेंट्स होता है जिसमें एल्यूमिना की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, और ये जो टू होता है इसमें क्या होता है आपका, ये जो टू इम्पार्ट क्या कर रहा है आपका, पाउडर ऑफ फायर ब्रिक्स। ठीक है, टू क्या इम्पार्ट कर रहा है, पाउडर ऑफ फायर ब्रिक्स, और इनको जो मिक्स करते हो क्या बनता है हमारा, ये फायर असिस्टेंस मोर्टार। ठीक है ना, आप कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, ऐसे जगह जहाँ पे फायर लगने के चांसेस ज्यादा हो, या फिर हम कभी ओवन ओवन बनाते हैं ना बेकरी वेकरी का, तो वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका देखो क्या, लाइट वेट मोटर, ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिया, अगर 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब से अगर वेट कम है, डेंसिटी कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट वेट मोटर। इसके बाद आपके आपका क्या, पैकिंग मोटर। पैकिंग मोटर कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमको भी पैकिंग वैकिंग करनी हो, ठीक है, फिलिंग करना हो, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे वाइट्स वाइट्स हो तो हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसका, और यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे वाटर प्रूफ एरिया में भी यूज कर सकते हैं। वाटर प्रूफ एरिया में क्या होता है, जब कभी कभी सीपेज होने लगता है, गैस वैप्स आ जाते हैं, तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं एज अ पैकिंग के करने, पैकिंग के रूप में। लास्ट टाइप का देखो साउंड पे ऑब्जॉर्विंग मोटर, ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हमको कोई स्टूडियो स्टूडियो बनाना है या थिएटर्स बनाना है, मूवी थिएटर्स, तो वहां पे हम प्लास्टिक वर्क्स में क्या यूज कर सकते हैं, हमारा साउंड ऑब्जॉर्विंग मोटर ऐसा यूज कर सकते हैं। इसका जो बल्क डेंसिटी होता है साउंड ऑब्जॉर्विंग मोटर्स का, ये होता है आपका 6 से लेकर के 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तक। ठीक है, तो हम इसमें और क्या यूज कर सकते हैं साउंड अब्सॉर्बिंग मोर्टार में, एज अ बाइंडिंग मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं जिप्सम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, जिप्सम यूज कर सकते हैं। जिप्सम के अलावा हम यूज कर सकते हैं आपका लाइम यूज कर सकते हैं, और सीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंट यूज कर सकते हैं, सीमेंट। तो ये हो गया आपका क्या, मोर्टार्स। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं व्हाइट वॉशिंग की। एक टॉपिक है हमारा व्हाइट वॉशिंग है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट नोट्स में कि व्हाइट वॉशिंग क्या होता है। तो देखो आमतौर पर आपने सभी ने देखा होगा व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, जब कभी भी हमारे घर को क्या होता है, हाइजीनिक करना होता है या हाइजीन बनाना होता है, या फिर नया नया जब हमारा कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी गंदगी होती है। ठीक है, और क्या होता है, हमको एस्थेटिक्स लुक चाहिए होता है जब हमारे घर को, तो हम क्या कराते हैं, हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं। तो देखो आपको एक बाल्टी में यहाँ पे एक लाइन यूज कर रहा है, लाइन को क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स कर दिया गया है, और इसको 24 आवर के लिए हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे कि आपको एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड देन इसको क्या करते हैं, हमारे उस सरफेस पे अप्लाई करते हैं जहाँ भी हमको रिक्वायरमेंट होता है। उसी के ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे, व्हाइट वॉशिंग के ऊपर में छोटा सा टॉपिक है। तो व्हाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग ऑफ सर्फेसिस ऑफ ए बिल्डिंग इज नेसेसरी ऑन बोथ हाइजेनिक एंड एस्थेटिक रीजन। हाइजेनिक और एस्थेटिक रीजन की वजह से हमको हमारे बिल्डिंग्स को जरूरत होती है किसकी, व्हाइट वॉशिंग की बोल सकते हैं या फिर कलर वॉशिंग। कलर वॉशिंग में क्या होता है, कलर पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक
ठीक है, कलर पिगमेंट्स हमने या फिर कलर वॉशिंग हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्रेलिक्स भी हो सकते हैं, डिस्टेम्पर्स हो सकता है, पेंट्स हो सकता है, और उसके अलावा भी हम क्या कराते हैं, व्हाइट वॉशिंग। तो फिलहाल हम व्हाइट वॉशिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। क्या रीज़न है इसका? हाइजेनिक्स के लिए और दूसरा आपका एस्थेटिक्स लुक्स के लिए, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लीन नीट एंड यूनिफॉर्म फिनिशेस इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट प्रॉपर मेथड फॉर बोथ प्रिपरेशन ऑफ सरफेस टू रिसीव व्हाइट वॉश और कलर वॉश एंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ व्हाइट वॉश और कलर वॉश। तो देखो, जब कभी भी हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है किसके, हमारे सरफेस का, और दूसरा हमारे व्हाइट वॉश के एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तीन टॉपिक्स, मतलब कि प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग के ऊपर। तो प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करने से पहले जो भी हमारा व्हाइट वॉशिंग मटेरियल्स है उसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लाइम यूज़ कर रहे हैं। अब लाइम क्या हो सकता है, आपका फैट लाइम भी हो सकता है। तो हमने मान लो फैट लाइम हमने क्या यूज़ किया, फैट लाइम यूज़ किया, एक बाल्टी ली, बाल्टी में हमने क्या किया, इस फैट लाइम को इसके अंदर डाला और हमने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर कितना ऐड करेंगे, एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर मैं 1 kg यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं लाइम यूज करता हूँ तो मेरे को एटलीस्ट 5 लीटर मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, वाटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 5 kg क्या यूज करना पड़ेगा, वाटर यूज करना पड़ेगा, और 1 kg क्या यूज करना पड़ेगा, लाइम यूज करना पड़ेगा। और क्या करूंगा इसको मैं 24 आवर के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट डे इसको फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ आफ्टर। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले इसको जब हम वॉइस को सप्लाई करेंगे हमारे सरफेस के ऊपर, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है हमारे सरफेस का, कि सरफेस पे कहीं पे कुछ गड्ढे वड्ढे तो नहीं है, कुछ क्रैक्स तो नहीं है उस टाइप से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सरफेस के ऊपर डस्ट वस्ट होते हैं, डर्ट होते हैं, उनको क्लीन कर लेते हैं, या फिर कोई भी और फॉरेन मैटर्स हो सकता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉइट वॉश अप्लाई करते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है, देखो अब व्हाइट वॉश कैसे अप्लाई करते हैं, व्हाइट वॉश अप्लाई करते हैं थ्रू एनी टाइप्स ऑफ ब्रश, मूंज और अदर ब्रश। मूंज भी एक तरह का क्या है, ब्रश ही है, ठीक है। बहुत सारे आजकल आ गए हैं ब्रशेस, ठीक। अब क्या बोल रहा है, देखो टू दी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कोट्स, जनरली 3 कोट्स में व्हाइट वॉशिंग की जाती है, ठीक है, ठीक है। और ईच कोट्स क्या बोल रहा है, देखो ऑपरेशन इन ईच कोट शुड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोक ऑफ द ब्रश गिवन फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स एंड अनदर फ्रॉम बॉटम टू टॉपवर्ड्स, ठीक है। मतलब कि 3 लेयर में पहली बार तो हमको ये कोटिंग्स करनी है, किसकी, हमारे व्हाइट वॉश की। और दूसरा जो हर पहला लेयर जो होगा, मतलब कि हर एक लेयर जो होगा कैसे होगा, एक जो पहला जो स्ट्रोक होगा कैसा होगा, टॉप से डाउनवर्ड, एंड दूसरा जो होगा कैसा होगा, बॉटम टू अपवर्ड। तो ये उसके क्या हो गए, ऑपरेशन हो गए, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस है व्हाइट वॉशिंग का। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड फ्रॉम दिस लेक्चर्स, इन केस अगर कुछ इस टॉपिक छूट गया होगा या कुछ कुछ टॉपिक छूटने छूट गया होगा जो कि एग्जाम में आ सकता है, डेट विल बी कवर इन नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको भेज दिया जाएगा इन गूगल क्लासरूम्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव कवर्ड ऑल द बिल्डिंग मटेरियल्स, टाइल्स रह गया है, टाइल्स भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उससे ज़्यादा चीज़ें ही करा दी है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर देखो, सॉल्व करो, नहीं समझ में आता तो डाउट होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।